सरकारी भूमि पर सालों से कब्जा किए जाने और आम जनता को रास्ता नहीं जाने के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सुधार सभा लमलुक के साथ लगते खुराड़, छटवाड़, ठनकरी और पताड़ गांव के लिए जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जिससे सारे ग्रामीण परेशान हैं। इसी मुद्दे को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने एडीसी हमीरपुर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके रास्ता खुलवाने के लिए गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि गांवों को जाने के लिए पुश्तैनी रास्ते को बनवाने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि रास्ता बनाने के लिए पुलिस सहायता करे, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लोगों ने कहा है कि पूर्व में बने हुए रास्ते को भी उत्तक परिवार के लोगों ने कई बार उखाड़ कर फेंक चुके हैं। रास्ते के संबंध में मिले हम एडीसी से भी और एसपी साहब से, क्योंकि ये एक परिवार 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, अकेला आदमी वहाँ कोई नहीं आ जा सकता, और पिछले कल भी इन्होंने इस रास्ते में बाल लगा दी, जबकि रास्ता सारा सामरात में सामरात नुसान गई भी थी, कान गोल सिंह जाने दी थी, वो सारा रास्ता इसमें निकला सामरात में, और एंगलार्म भी लगाए थे रास्ते के लिए, वो इन्होंने उखाड़ दिए। जो एस डी एम से मिले 3-4 घर, फिर उसके बाद जो डी सी चले गए कानून साहब, उनसे मिले कानून साहब से मिले, लेकर हमें कहीं भी नहीं मिले। सी जो है धारणा में बैठेंगे और प्रशासन के बताने के बाद जो हल नहीं होते समस्या, तो हम पूरे आम ज्ञापन में बैठेंगे धारणा में, जब तक ये रास्ता नहीं बनता है तो पूरे ग्रामवासी वहां से नहीं उठेंगे, इकट्ठे रोड जाम कर सकते हैं, हम यातायात के साधन को रोक सकते हैं, और जब कहीं भी सुनवाई नहीं होगी तो जब तक हमारी समस्या कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं आएगा तो हम वहाँ से रोड से नहीं उठेंगे। पहले तो हमें आशा है कि सिर्फ रास्ते की है और हमें कुछ नहीं, बस रास्ता चाहिए हमें, बस रास्ता चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस और कुछ नहीं, हम करेंगे ना, हम सुनेंगे, गाड़ियाँ गंदी गाड़ियाँ, बस रास्ते की प्रॉब्लम है वो हमारी हल हो जाए, अगर नहीं हल होगी तो हम कुछ भी कर लेंगे आगे, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। कितने लोग रास्ते सब, तो हम चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, सब बस इधर ही आते हैं हम कोर्ट में। क्या हल हुआ अभी तक? तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ, सास है कि हमारी सुनवाई होगी, अब अगर नहीं होगी तो फिर बाद में। हाँ जी, कर लेंगे। वहीं एडीएम रतन गौतम ने कहा कि ग्राम सुधार सभा लमलू के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर सरकारी रास्ते पर कब्जा किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की समस्या पर जल्द ही समाधान किया जाएगा। मैं कोई रास्ते से संबंधित जो है इन लोगों की कोई समस्या है, जिसमें कि कोई सिविल कोर्ट का झगड़ा भी है और निशानदेही का कोई मामला है। इन्होंने बताया कि जो मुस्तैनी जाएगी और जो भी इनकी समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को हल करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों को रास्ता बनवाने के लिए पुलिस के सहयोग से काम करवाया जाएगा। का मामला है जिसमें कोई रास्ता रोकने को लेकर विवाद है, एक ही गाँव के लोग हैं दोनों पार्टियां, तो इसमें उन्होंने पुलिस सहायता मांगी, साथ ही साथ प्रशासन से मांग करी कि इसकी निशानदेही की जाए। पुलिस के पार्ट में तो यही बनता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, और अगर जो निशानदेही करने वाली टीम है उसको जो सहायता चाहिए, हम उनको सुरक्षा और सहायता इसमें प्रोवाइड करवाएंगे।